तो ये पहला क्वेश्चन था जो आप टीवी पे देख रहे हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अटेंटिव चैंटिंग। आप अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके क्या लक्षण हैं। तो आप लोगों ने बताया था कि मेडिटेशन ऑन द नेम एबल टू हियर। जब आप अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं तो आप अपने भगवान के नामों को सुन पाएंगे, और यही कारण है कि जब हम सुन रहे होते हैं तभी हमारा जप टाइम पे होता है, जो हमने टाइम लिमिट बनाई। जब हम सुन नहीं रहे होते हैं तो हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है अपनी टंग के ऊपर। तो कान हमेशा खुले हैं, इसलिए कहते हैं हम कान से नहीं सुनते हैं, हम लोग मन से सुनते हैं। कान तो हमेशा ही खुला है, आवाज़ तो हमेशा ही निकल रही है, लेकिन जब हमारा मन नहीं होता है तो हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है सेंसेस पे। तो जब हम अटेंटिव जपा कर रहे हैं तब हम नाम को वास्तव में सुन पा रहे हैं, जो कि प्रभुपाद ने बोला है। और जब हम इस प्रकार जपते हैं तो हमारे जप करने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है। शुद्ध नाम जपने से नाम जपने की इच्छा बढ़ती है, ये एक और सिम्टम है। हाँ, जितना हम शुद्ध नाम जपेंगे नाम लेने की क्या होगा, इच्छा बढ़ेगी। उसके बाद अवेक, नॉर्मल सेंस में अवेक लिखा आपने। अच्छा, अटेंटिव जपा जब आप करेंगे तो आप जगे रहेंगे ऑब्वियसली, वरना सो जाएंगे तो 8 मिनट पे चला जाएगा, है ना। मन कहीं और चला जाएगा तो जपा कम टाइम पर होगा, और अगर हम सो जाएंगे तो जपा ज़्यादा टाइम पर होगा। तो ये दोनों को कंट्रोल कर रहा है इसलिए। और कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द डे, अगर हम मॉर्निंग में अच्छा जपा करते हैं तो पूरे दिन में हमारा मन करेगा दूसरों को प्रचार करने का, सेवा करने का। हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी, हमारा मूड चीयरफुल रहेगा, हमारा मूड प्रेयरफुल रहेगा, हम अपने कामों में फोकस्ड रहेंगे, ऐसा आप लोगों ने बताया था। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे मॉर्निंग कब होगी, कब मैं जपा टूल खोलूंगा और कब मैं जपा स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब नाम में रुचि हमारी पैदा हो रही है, एंथुजियाज्म आएगा हमारे अंदर जपा करने का। और अष्ट विकार, हो सकता है कुछ कुछ को थोड़ा थोड़ा रोना आने लगे धीरे धीरे। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा किसी ने बोला था। तो कोई और पॉइंट आई होप अगर मिस हुए होंगे तो आप बता सकते हैं। ये वाला आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में ये सारे पॉइंट निकाले थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द जनरल मिस्टेक्स। हाँ, हम क्या जनरली गलतियां करते हैं जिसके कारण हम अटेंटिव जपा नहीं कर पाते। उसके कई सारे पॉइंट आप लोग ने बताए थे। अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल में हमारी नींद और हमारा खाना आहार कंट्रोल में नहीं है। यदि वो नहीं आएगा तो क्या होगा, युक्त आहार से विहार से, जो भगवान बोलते हैं कि हमारा ईटिंग स्लीपिंग रिक्रिएशन क्या होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। रेगुलेट मतलब एक ही टाइम पर सोना चाहिए विशाखा, और एक ही टाइम पर उठना चाहिए, और एक ही टाइम पर खाना चाहिए, और एक ही टाइम पर खेलना चाहिए, और एक ही टाइम पर पढ़ना चाहिए, समझ में आया। और एक ही टाइम पर होमवर्क करना चाहिए, एक ही टाइम पर खाना बनाना भी चाहिए। तो इस प्रकार से जब ये रेगुलेट हो जाता है तो हमारा जपा भी रेगुलेट हो जाता है। इसलिए जपा भी एक ही टाइम पर करना चाहिए। लैक ऑफ प्लानिंग फॉर जपा, हम लोग जपा की प्लानिंग नहीं करते हैं। हम लोग गुरु महाराज की व्यास पूजा में, या नॉट व्यास पूजा में, मैं कहीं और ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था तो बता रहे थे कि गुरु महाराज का ये प्लान था, बड़ा पक्का प्लान बनाते थे वो इस बात के लिए कि 8 से 8:15 के बीच में वो वाइंड अप कर दें। तो बड़ा कुशलता से वो कुछ एग्जांपल बता रहे थे कि वो 8 बजे, क्योंकि लोगों का ताता तो हमेशा रहता था, 8 सवा 8 बजे क्या करते थे, सबको बुला लेते थे अंदर, बाहर वालों को, अनलेस कि कोई अलग ही मिलना चाह रहा हो तो अलग बात है। तो दर्शन दिए, अपनी स्माइल पास करी, आधे से ज़्यादा लोगों का काम हो जाता था उसमें। उसके बाद में अगर किसी ने कुछ पूछना शुरू किया तो बोलते थे कि, उन्हें पता लग जाता था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, तो बोलते थे प्रभु जी क्या मैं आपसे कल मिल लूँ, आप यहीं पर है ना, तो कल मिल लेते हैं ऐसे। तो उसको बुरा भी नहीं लगता था, और अधिकतर जनरल साइंस में जाते थे लोग मिलने, तो लगा जी 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 महाराज, 8 सवा 8 बजे महाराज वाइंड अप कर देते थे। उसके बाद अपना जो भी हल्का फुल्का प्रसाद गायत्री, और वो क्यों करते थे सब कुछ, अगले दिन की मंगल आरती के लिए इतना प्लान करते थे। इसीलिए वो आज तक निरंतर मंगल आरतियों में आते रहे, ड्यूटी वर्शिप करते रहे। तो अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले चलनी चाहिए, नहीं। इसीलिए आपकी अच्छे जपा की प्लानिंग
एक दिन पहले होनी चाहिए। यहाँ पर हम फेल हैं। अभी इसका हम जल्दी ऐसा टूल बनाएंगे जो आपके घर में सायरन बजने लग जाए 9 बजे। नौ बजे के बाद कुछ ऐसा जैमर लगे कि मोबाइल के सिग्नल जैम कर दे दयानंद नगर में या कहीं पर भी। मोबाइल के जैमर चालू हो जाए, टीवी के डिश टीवी के सिग्नल खत्म हो जाए और सब कोई ऑप्शन ना रहे हमारे पास सोने। जैसे हमारे चौकीदार कहते थे जागते रहो तो बोलेगा सो जाओ, ऐसा कोई आदमी घूमे। तो इसलिए अगले दिन की प्लानिंग आपको एक दिन पहले करनी है, जिसमें खाना और सोना बड़ा जरूरी है। और नाइट में हमने डिस्कस किया, नाइट में यदि आप कंप्यूटर सोना चाहते हैं यदि आप, तो ऐसा बताते हैं कि सोने से एक घंटा पहले आपको कंप्यूटर छोड़ देना चाहिए, मोबाइल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन काम करता रहता है बहुत देर तक। नहीं तो कई लोग कहते हैं हम लेटते हैं नींद नहीं आती है, क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने व्हाट्सएप को साइड में रखा, नहीं व्हाट्सएप को नहीं, व्हाट्सएप के स्टेटसेस को साइड में रखा है, ऐसे ऐसे को, इसको इसको समझ गए ना, इसको। तो ये जब ब्रेन इतना काम करता है तो वो नींद नहीं आती है, तो आपको मोबाइल वगैरह साइड में रख देना चाहिए। उसके बाद जैसे हम शाम की क्लास सुनते हैं उसके बाद कोशिश करनी चाहिए, आप जिसने भी व्हाट्सएप किया होगा, अर्जेंट होता नहीं व्हाट्सएप कभी भी, अर्जेंट होगा तो कॉल कर लेगा आपको, हाँ देखना ही नहीं है, क्लास सुननी है और सोने की तैयारी करनी है सीधा। उसके बाद है प्लानिंग ऑफ अदर टास्क। जब हम जब कर रहे होते हैं तो हम दूसरे कामों की प्लानिंग करने लगते हैं, आज क्या क्या करना है, आज ये करना है, आज वो करना है। ये हमारी गलती है जो कि इस टूल से शायद थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि जरा सी भी ऐसी करेगा तो टूल के टाइमिंग हमारे हिलने लग जाएंगे और घबरा जाएगा। तो दूसरे कामों की आपने बोला हम प्लानिंग करने लगते हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त का जपा हम मिस कर देते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है एक भक्त के लिए, ब्रह्म मुहूर्त का जपा। ब्रह्म मुहूर्त होता है 96 मिनट्स पहले होता है सूर्योदय से स्टार्ट होता है, और सूर्योदय होते ही समझ लीजिए वो समाप्त हो गया। तो वो समय यानी कि हमारा 4 से 6 बजे के बीच मान लीजिए मोटा मोटा, ये जपा जो बेस्ट टाइम है जपा का, तो वो हम मिस कर देते हैं, ये गलती है हमारी। उसके बाद क्या इनकरेक्ट पोस्चर, बैठने के हमारे तरीके, और पहले तो ऐसे कमर लगाते थे, फिर वो धीरे धीरे आगे जाता जाता है, आता जाता है, इस प्रकार से जपा होने लगता है। तो बैठने का तरीका, हाँ वो मेथड्स में आएगा, बैठने का सही तरीका होना चाहिए। इनकरेक्ट पोस्चर, इन अप्रोप्रिएट एम्बियंस, गलत जगह पर बैठे हैं, हाँ जहाँ पर घर में शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, हाँ तो वहाँ पर आके हम बैठ जाएंगे। शादी की तैयारी होनी है तो बहुत सारी प्लानिंग हो रही है ना, चांदनी चौक से ये भी लाना है, वहाँ से ये भी करना है, यहाँ साड़ियाँ लानी है, ये करना है, तो सब चल रहे हैं, घर वाले लोग बात कर रहे हैं, हम भी वहीं जाके बैठ के जपा करेंगे, तो ये गलत एम्बियंस हो गई आपकी। जपा वहीं करना चाहिए जहाँ केवल जपा किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद था वैष्णव अपराध करते हैं हम, इसलिए हमारा जपा अच्छा नहीं होता है, हाँ इस पर तो चर्चा अनलिमिटेड हो जाएगी। उसके बाद टू मच कम्फर्ट, इतना ज़्यादा कंफर्ट दे देते हैं अपने आप को कि नींद ही आने लगती है, इतना ज़्यादा कंफर्ट दे देते हैं, जो कि कहाँ मिलता है हमें, कहाँ मिलता है, बेड पे, सोफे पे, क्योंकि सोफा दबता है ना, गुदगुदा दबता है, तो आपका सरफेस कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, हार्ड सरफेस पे बैठिए थोड़ा। उसके बाद है वेलकमिंग डिस्ट्रैक्शंस, हम वेट करते हैं कोई तो आए और इस बोरियत से हमें निकाले, कब से जब ही जा रहा हूँ, ऐसा लगता है किसी वक्त को मेरे से प्रेम नहीं है, कोई तो आए बातचीत करे हालचाल बताए, तो हम लोग वेट करते हैं। कोई भी अगर इशारों से भी ऐसा देखे ना, हाँ हाँ मुझे बुला रहे हैं, मुझे मुझे वो वेट ही कर रहे हैं ना, वो सेवा अच्छी लगती है हम लोगों को, जपा अच्छा नहीं लगता है, सेवा सबको अच्छी लगती है, भक्तों को भी। तो डोंट डू दैट वेलकमिंग डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन को तो हटाना है, जपा ही करना है। मल्टीटास्किंग, कीर्तन, रीडिंग, सर्विस, एक्सरसाइज, कुकिंग करते हुए जपा करना, तो जपा करते हुए और कुछ नहीं करना है, केवल जपा ही करना है। हमारे कई भक्त थे जो हमसे ज़्यादा एलिवेटेड थे लेकिन हमारी क्लास में पता नहीं क्यों बैठते थे, तो हमने उनको बोला कि प्रभु जी क्लास सुनते हुए जपा मत कीजिए, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, बहुत ही एलिवेटेड सोल है जिसके हाथ से वो माला निकलती नहीं है कभी, तो उसको हमारे लेक्चर में नहीं आना चाहिए। तो मल्टीटास्किंग करते हुए जपा करना,
उसके बाद साइट सींग जपा, साइट सींग जपा, जैसे पार्क में चलते हुए साइट सींग होती है हमारी, अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ हैं, भगवान की कुदरत है, कुदरत कुदरत का कमाल है कि उसने कितने रंगीन रंग दिए पैरट्स को और पैरट घूम रहे हैं, तो प्रभु जी इससे मेरा भाव पैदा होता है। हाँ, तो ये साइट सींग करते हुए जपा नहीं करना है, जपा करते हुए हमारी आंखों के आगे बहुत सारी वैरायटी नहीं आनी चाहिए, हमने ये भी डिस्कस किया था, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने चर्चा किए थे कि ये जनरली गलती हम लोग ये करते हैं, यहाँ भी लोगों के पॉइंट हैं ये। उसके बाद व्हाट इज द आउटकम इफ यू डू नॉट चैंट अटेंटिवली, अगर हम ध्यान से जप नहीं करते तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली समस्या कि हमारी चेतना नीचे की नीचे रह जाएगी, फिर हम कहेंगे प्रभु जी 10 साल हो गए आनंद नहीं आ रहा है, मुसीबत आ रही, प्रभु जी मुझे घुटन हो रही है इस जगह के अंदर। हाँ, मैं कई बार बताता हूँ ना कि जहाँ पर हर किसी को आनंद आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति को आनंद नहीं आ रहा है तो वो उसको अपने अंदर नहीं ढूंढता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वो ढूंढता है कि यहाँ पर ये भी गलत है, यहाँ पर ये भी गलत है। यानी कि हमें जब सबके अंदर कमियाँ दिख रही हैं, हमें बोरियत महसूस हो रही है, यदि आपको बोरियत महसूस हो रही है, सब में कमियाँ दिख रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब हमारी साधना ठीक नहीं। उसके बाद है इरिटेटेड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, गलत तरीके से प्रचार करेंगे, टेंडेंसी फॉर वैष्णव अपराध करेंगे। वैसे तो हमें नाम की ग्लोरी को दूसरों को बांटना है, हम दूसरों के अवगुणों को बांटेंगे। तो वो पता है वहां पर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो वैष्णव अपराध एंड रिड्यूस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशन, भक्तों के संघ की महत्व को खो देंगे, कोई फायदा नहीं है भक्तों के बीच में रहने का, एकाकी भजन करने का प्रयास करेंगे, लेजीनेस रहेगी, हम लेजी रहेंगे यदि हमारी जपा अच्छा नहीं होगा तो। हाँ, एक बड़ा अच्छा वर्ड भगवान बोलते हैं दीर्घ सूत्री, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वर्ड। हाँ, दीर्घ सूत्री थोड़ा सोफेस्टिकेटेड लगता है ना, किसी को बोलो लेजी और बोलो दीर्घ सूत्री तो दीर्घ सूत्री हो जाएंगे हम लोग। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड नो अटेंशन ऑन द रियल गोल, हाँ फोकस कमी हो जाएगी, हाँ बहुत सारी चीज़ करने लग जाएंगे, लोनलीनेस महसूस करेंगे, मटेरियल डिजायर्स ख़त्म नहीं होंगी हमारे अंदर से, माइंड अनकंट्रोल्ड रहेगा, मैकेनिकल चैंटिंग हो जाएगी, ज़्यादा समय लगेगा जप करने में। हाँ, गुरु परंपरा प्रसन्न नहीं होगी हमसे यदि हम ऐसा करते हैं तो, हमारी हेल्थ भी खराब होने लगेगी क्योंकि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, पूरे दिन घिस 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 कर रात तक माला चलेगी, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगी, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन विल बी लॉस्ट। तो ये सारे इतने सारे खतरनाक सिम्टम होंगे यदि हम अटेंटिवली चैंटिंग ना करें तो, आप लोगों ने बताया था। व्हाट आर द फोर मेन पिलर्स ऑफ अटेंटिव चैंटिंग, ये इंपॉर्टेंट था एंड वी कैन इम्प्लीमेंट दोस्त। तो क्या चार पिलर हैं, चार से हमने जब डिस्कशन किया तो 5 निकल आए थे। तो पहला था पोजिशन एंड पोस्चर, तो मुझे लगता है हाँ एक है रोड ब्लॉक्स, तो ये जो दो चीज़ें हैं रोड ब्लॉक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जो पिलर्स हैं इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करना चाहेंगे। तो व्हाट आर द टिपिकल इंटरफ्रेंसेस रोड ब्लॉक्स इन अटेंटिव चैंटिंग, क्या क्या समझ इतना सुनने के बाद भी प्रॉब्लम क्या आ जाती है। तो था एक तो बच्चे, छोटे बच्चे, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा सोल्यूशन तो निकला नहीं था हमारे पास क्योंकि जब बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो रात को समय पर सोते नहीं हैं, समय पर सवेरे उठते नहीं हैं, लेकिन इसको बहाना ना बनाएं। हाँ, बच्चों की हैबिट डालनी पड़ेगी हमें वो उसी समय पर सोने की, किसी तरह से शुरू के 2-3 साल थोड़ा टफ है क्योंकि उसका कोई टाइम होता नहीं है बच्चे का, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाने लगेगा चाहे प्ले स्कूल हो तो थकान उसके अंदर बढ़ती है तो रात को सोने लगता है, तब उसके पहले पहले 2 साल इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो स्मॉल किड्स के साथ समस्या हो सकती है जपा, क्योंकि मॉर्निंग में जपा नहीं कर पाएंगे, बच्चा कभी कुछ मांगेगा तो। हमने डिस्कस किया कि माताओं को ये हमने ये फ्रीडम मिलती है क्योंकि वो एक सेक्रीफाइस करती हैं, तो उसके लिए भगवान उनकी ज़रूर उनको कृपा करेंगे, लेकिन उसके बाद में उनको बिल्कुल कम बैक करना चाहिए। उसके बाद हेल्थ इशूज़, हमारा जपा अच्छा ना होने का रोड ब्लॉक सबसे बड़ा क्या हो जाता है, हमारे हेल्थ इशूज़, एसिडिटी है, कमर में दर्द है, बहुत सारी समस्याओं के कारण हम ढंग से जपा नहीं कर पाते। लेकिन अगेन वही कि सब लोग इतने एलिवेटेड हो चुके हैं कि उनको अपने हेल्थ का, तो हम शरीर हैं ही नहीं तो हम क्यों कुछ करें। हाँ, कई भक्तों को मैं कई सालों से बोल रहा हूँ कि वॉक कर लीजिए,
हाँ कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे। कहते हैं प्रभु जी हम शरीर ही नहीं है, आप तो शरीर हैं लेकिन हम शरीर नहीं है, तो हम क्यों करें। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर हेल्थ नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ की इसलिए ख्याल रखना है ताकि हम जप अच्छा कर पाएं, साधना अच्छी कर पाएं, सेवा अच्छी कर पाएं। और कोई कारण नहीं है, हमें अच्छा दिखना नहीं है, कपड़ों में अट्रैक्टिव नहीं लगना है, हमें साधना सेवा अच्छी करनी है। तो इसलिए हेल्थ इश्यूज़ आर रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हेल्थ ख़राब होती है ना तो चेतना बहुत ख़राब हो जाती है। उसके बाद स्लीप इश्यूज़, बहुत सोचना चाहिए आपको सोने के ऊपर, सच बता रहे हैं हम। ऑल दो हम लोग कहते हैं जल्दी उठो कम सो, लेकिन सोने के ऊपर बहुत सोचना चाहिए कैसे हमारी डीप स्लीप ज़्यादा हो। आप देखेंगे अगर आप कम सो रहे हैं लेकिन डीप स्लीप में सो रहे हैं तो आप थकान महसूस नहीं करेंगे। डीप स्लीप के लिए आपके कमरे के अंदर आवाज़ें ना आए तो बहुत अच्छा है, जितनी कम आवाज़ें आ सकें। हाँ मैं तो आज आप सच बताऊँ, मैं आज दिन में बैठ के ऐसा तकिया ढूंढ रहा था जो मैं अपने ऊपर ऐसे लगा लूँ। मैं ऐसा कोई ढूंढ रहा था, किसी ने बनाया नहीं है कि कोई ऐसा, जैसे MRI में घुसता ना आदमी, सच में मैं ढूंढ रहा था गूगल पे। पूरा तो नहीं घुसना चाहता मैं उसके अंदर, कि MRI के अंदर मेरा सर घुस जाए उसके अंदर बस, और आदमी सो जाए डीप स्लीप में, डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचिए जीवन में कि कैसे हम लोग गहरी नींद ले सकें। उसके लिए नहा के सो सकते हैं। सोते हुए अगर आप 1 महीने पुराने कपड़े रोज पहन रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है, सो ही तो रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सोते हुए भी हमारे गुरु महाराज तो सोते हुए भी पूजा करते थे, इसका मतलब सोते हुए भी धुले कपड़े पहन के सोना पड़ेगा। हाँ उनके वीडियो है पूजा करते हुए। तो इसलिए अगर सोते हुए भी फ्रेश कपड़े पहने तो अच्छा है, जरी थोड़ी हर कपड़े को वो झाग से धोना है, पानी से निकाल दीजिए रात वाले कपड़ों को सिर्फ। हाँ मैंने बताया ना झाग ने हमारे जीवन में झाग है। तो वॉशिंग पाउडर बहुत लगेगा, रात वाले कपड़ों को पानी से निकाल दो, 3-4 दिन में धो दो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। इतने कपड़े कैसे धुलेंगे प्रभु जी रोज। तो इसलिए टाइट क्लोथ मत पहनिए सोते हुए भी और दिन में भी। टाइट क्लोथ से हमेशा दिक्कत रहेगी और कई बार चरर भी हो जाती है तो और दिक्कत रहती है। तो इसलिए उससे थोड़ा सा फ्रीडम रहती है आदमी मूवमेंट्स की। तो ये रोड ब्लॉक है, टाइट कपड़े रोड ब्लॉक्स हैं। एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज, नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएशन हमारे जपा में क्या करेगा, जब हम जपा कर रहे हैं उनकी बातें ध्यान में आ रही होंगी, हमारे कोई जोक ध्यान में आएगा। हाँ वो भी गलत है। फिर मैं उसके बाद गेस्ट्स आ जाते हैं कई सारे, अब क्या करें भाई। प्रॉब्लम ये है कि हम इतने वेलकमिंग हैं कि दुनिया भर के लोग हमारे ही घर में आते हैं पता नहीं क्यों। क्योंकि हम इतने वेलकमिंग हैं। हाँ ददाती प्रतिगणाती गुह्य मक्याती बिछड़ी। हाँ लेकिन उसके पहले ये श्लोक जो है 4th श्लोक है NOI का, उसके पहले 2 और श्लोक हैं कि भक्ति बढ़ती कैसे है और कम कैसे होती है, वो भी तो समझना है पहले। लेकिन हमारा सारा फोकस इसमें रह गया, तो वो जी मेरा तो मन वैष्णव को खिलाने का है, बस खिलाती रहूं। तो इस चक्कर में रोज रात को लेट हो जाता है, रोज सवेरे लेट उठते हैं। तो गेस्ट कब आए कितने आए उस पर थोड़ा सा सोचिए। उसके बाद वर्क रिलेटेड थिंग्स, जैसे कि कईयों का नेचर है कि ऑफिस को घर में लेके आना। हाँ तो घर में फिर जब करते हुए भी ऑफिस की प्लानिंग चल रही है। क्लाइमेट हो सकता है, अब क्लाइमेट के लिए भगवान ने क्या बोला है, मात्र स्पर्श तो कौन थे आसी तो सुना सुख दुख का। ये क्लाइमेट तो चेंज हो गई सुख दुख की तरह, तो अब इसको सहन करें। क्या मर गए सड़ गए, हाँ दिन रात वो जप नहीं कर रहा है, वो सड़ गया तो सड़ने के लिए ही तो आया है यहाँ पर, तो सड़ेगा क्यों नहीं। तो उसको क्लाइमेट को हमें वी हैव टू टॉलरेट। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप किसी हवादार जगह पे नहीं बैठ सकते, हाँ लेकिन ऐसी हवादार ना हो जहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रही हो। तो क्लाइमेट भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। हैबिट्स, टिक के बैठने की आदत नहीं है हमारी एक जगह पर। बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या है कि वो बैठ के जप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो बचपन से कभी बैठे ही नहीं एक जगह पर। तो ये हमारी हैबिट है, ये भी हमारे लिए रोड ब्लॉक है। मैटीरियल डिज़ायर्स एंड नॉन प्रायोरिटी टास्क, बहुत सारी मेटीरियल डिज़ायर्स और उनको कम करने के लिए, विरक्ति पैदा करने के लिए कोई कार्य ना करना, तो उस व्यक्ति का जपा कभी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपदचे साम। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि क्या होती है, फोकस्ड। व्यवसाय किसको कहते हैं,
बिजनेस, बिजनेसमैन कैसा होता है? फोकस्ड। तो वो बुद्धि किसकी नहीं होती? जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो उन इच्छाओं को रोक, जितना रोकेंगे उतना जपा अच्छा होगा, साधना अच्छी होगी। उसके बाद फेस्टिवल्स एंड यात्रा। कई लोग सोचते हैं यात्रा का, कईयों का हैंगओवर एक एक हफ्ते तक चलता है। एक हफ्ते की यात्रा है तो एक हफ्ता उसका हैंगओवर चलता है, अगले एक हफ्ते तक उठ ही नहीं पा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो जी यात्रा थे ना, थकान हो गई बहुत ज़्यादा, थकान हो गई बहुत ज़्यादा। यात्रा फेस्टिवल्स हमारे जीवन में आते ही रहेंगे, तो कैसे करें काम? फिर कुछ करना पड़ेगा ना। तो दीज आर द रोड ब्लॉक्स, ये भी आप लोगों ने बताए थे। और अंतिम चीज़ है जिस पे हम शुरू करेंगे और आगे चलते रहेंगे थोड़े हफ्तों तक, कि व्हाट आर द फोर पिलर्स। यस, गेस्ट वाले पॉइंट में कोई आ जाता है तो वेलकम करिए, लेकिन इतने वेलकमिंग मत होइए ना। यू हैव टू टेल पीपल कि हमारा नियम है प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी आप बहुत आइए बैठिए, प्रभु जी का ना, या हमारे यहाँ पे ऐसा नियम है कि 9 बजे सोना है। तो हम कुछ सोचिए क्या बोल सकते हैं। फैमिली वाले तो साल में एक आध बार आता है, तो और फैमिली वाले को भी जल्दी उठाइए सवेरे। मैं कईयों को ये समझा रहा हूँ कि जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं प्रभु जी हमें पढ़ना है, एग्जाम डे में करने दीजिए। तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि रात को पढ़ने से 24 घंटे 48 घंटों में बदल जाते हैं, दिन में तो 24 ही घंटे रहेंगे। तो आप मुझे समझाइए कैसे रात को पढ़ने से पढ़ाई अच्छी हो जाती है। सारा साइंस और हर चीज से रिसर्च तो ये कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना। हम कहते हैं कि पढ़ाई के दिनों में आप सवेरे जब मत करो, पढ़ाई कर लो, नो प्रॉब्लम। कम से कम जल्दी उठने की हैबिट तो बना के रखो। सोते तो फिर भी आप 6-7 घंटे तो फिर भी सोते हो। 12 बजे सोओगे तो सवेरे 7 बजे उठोगे। हमें 12 बजे तक पढ़े थे तो उठे कब थे? 7 बजे। तो वो पहले सो के जल्दी उठ जाते 7 घंटे? नहीं। बोलिए जी चैतन्य प्रभु, क्या विचार है आप लोगों को? ऐसा क्यों होता है कि रात में ही पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि हम लेजी हैं। सवेरे फौजी, इस कलयुग में रात में तो डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन इस कलयुग में 4 बजे उठने वाला कोई नहीं है, 3 बजे उठने वाला कोई नहीं है। जितने भी कलयुग लोग हैं वो भी 3 बजे तक सो जाते हैं, पार्टी कर करके 3-4 बजे। तो 4 से 7-8 बजे तक तो कलयुग में बहुत ही कम डिस्टर्बेंस है जीवन में। आप ट्रैफिक भी देख लीजिए, 12 बजे तक खूब ट्रैफिक मिलेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे 3-4-5 में कम ट्रैफिक होता जाएगा, क्योंकि हम लेजी हैं, तमोगुणी हैं, निशाचर हैं, इसलिए हम रात को करते हैं सारे काम। आज का दिन एक्चुअली हम प्लान्ड नहीं है ना, तो सब कुछ 11th आवर में करते हैं, तो अब लगता है दिन गया गया, कुछ करा नहीं, अब पढ़ता हूँ, ये समस्या हमारे साथ। तो बेसिकली अनप्लान्ड लेजी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन प्लान्ड आदमी समय पे सोता है, समय पे उठता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छे नंबर लेके आता है। रात के टाइम पे कह रहे हैं एक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो मैंने इसके बारे में बताया था। हाँ, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के केस में हुआ था कि नहीं पता नहीं। तो माना लड़ाई चल रही है हिरण्याक्ष की और भगवान की, वराहदेव की, और भगवान मार रहे हैं, अचानक से हिरण्याक्ष ने मार दिया और भगवान के हाथ से गदा छूट गई और सारे देवता घबरा गए। देवता कह रहे हैं भगवान आपका खेल हो रहा है, थोड़ी देर में संध्या हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा, इस असुर की ताकत डबल हो जाएगी। तो रात में क्यों एक्टिवनेस बढ़ जाती है? क्योंकि असुरों की ताकत रात में बढ़ जाती है। तो हमें सुर बनना है, सुर बनेंगे तो सवेरे ताकत हमारी रहेगी, असुरों की रात को ज्यादा बढ़ती है, इसलिए सारे गलत काम रात में होते हैं, समझे? तो धीरे धीरे आदत को बदला जा सकता है। ठीक है, ठीक है जी। हेल्थ इशू, हाँ, तो हेल्थ डिस्कस मत करिए, साधना डिस्कस कीजिए। जब साधना में कमी दिखेगी वहां से पकड़ लीजिए ये कमी क्यों है, बताइए, बस कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना। एलिवेटेड सोल साधना के बारे में तो डिस्कस करेगा, हेल्थ के बारे में नहीं करेगा।
शास्त्रों से पहले साधना है, तो साधना डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी की साधना परफेक्ट है तो आप छोड़ भी, तो आप मान ही लीजिए कि वो एलिवेटेड सोल है, ठीक है। ओके, तो फोर मेन पिलर क्या है कि हम ये अच्छे से जप कर पाए, या फाइव। पहला है पोजीशन, पोस्चर, कैसे बैठना है। दूसरा है प्रोनंसिएशन, बोलना कैसे है, स्पीड। तीसरा है प्रेफुल मूड। चौथा है प्लानिंग फॉर जपा। पांचवा है अटेंटिव हियरिंग। तो ये पांच मुख्य चीजें हैं जो हमें जपा में ध्यान रखनी है। आई थिंक वी कैन कंप्लीट दिस इन अनदर, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ चर्चा तो कर ही चुके हैं। तो पोजीशन पोस्चर के ऊपर प्रभुपाद ने भी बोला है कि हम कोशिश करनी चाहिए कमर सीधी हो। कमर में अगर दर्द है तो कमर के पीछे कुछ सपोर्ट लगा लें ताकि कमर सीधी रह पाए। लेकिन अगर लीन करेंगे अपनी बॉडी को तो उससे झपकी आएगी, या किसी चीज़ पर झुका लेंगे, सहारा ले लेंगे तो झपकी आएगी। तो कोशिश कीजिए कि हम कमर के पीछे कुछ सपोर्ट लगा लें ताकि कमर को सपोर्ट मिल जाए। हाँ, खासतौर पर बूढ़े लोग जो हैं, और उसके लिए हमने एक सीट बनाई है, हाँ, जपा सीट। तो हमने एक जपा सीट बनाई है, लेकिन क्या करें, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हाँ, $150 की हो गई है शायद, हाँ, $150 की है, ₹150 की है, ओके, ₹150 की है। तो अगर आपको महंगी ना लगे तो आप ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है जी। हाँ, ये बहुत पहले से कर रखी है हमने, हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत है थोड़ा सा, शरीर को थोड़ा अटेंटिव रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें शरीर को लुंजा पुंजा सा नहीं रह सकता जो कि हम रखना चाहते हैं, तो ये समस्या है। तो इसलिए पोजीशन को स्ट्रेट रखने के लिए, और ये थोड़ा सा झुका देती है आपको। कई लोगों को मैंने देखा जपा सीट पे बैठ रहे हैं, उन्होंने पैर भी ऊपर मोड़ दिया उसके ऊपर, तो मैंने उनको बताया इसलिए थोड़ी थी, पैर नीचे रहेंगे, हाँ, पैर नीचे रहेंगे हमारे जपा, तो आप थोड़ा आगे को टिल्ट हो जाएंगे, आगे को झुक जाएंगे थोड़ा सा, और तब आप अपनी कमर को एक्चुअली में ऐसे रख पाएंगे। ऐसे रखना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे फिर भी आप कर पाओगे। और जैसे मुझे थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं थोड़ा ऐसे करता रहता हूँ, तो मेरी कमर में दर्द नहीं होता इससे। अगर एक ही जगह पर रखता हूँ तो मेरी कमर में दर्द होने लगता है, तो ऐसे मूवमेंट करता रहता हूँ मैं इसलिए। ओके, पोजिशन, तो ये पोस्चर हो गया, ऐसे आपको हार्ड सरफेस पर बैठना है। कई लोग क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, वो गद्दी होती है सोफों की गद्दियाँ, सोफे कहते हैं, अरे प्रभु जी डेढ़ सौ मेरे घर में सोफे की गद्दी है, मैं उसको निकाल के बैठ जाती हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। हार्ड सरफेस, ये हार्ड गद्दी बनाई गई है, सोफे वाली आपको दबा देगी तो आपकी कमर स्ट्रेट नहीं रह पाएगी, ठीक है जी, क्लियर। ओके, तो पोजीशन पोस्चर, उसके बाद है प्रोनंसिएशन, उसके ऊपर हमने जपा टूल बनाई दिया है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि प्रोनंसिएशन हर वर्ड का क्लियर होना चाहिए, हरे कृष्ण, हाँ। और अगेन हमारी ये जो कीर्तन मिनिस्ट्री है, कीर्तन मिनिस्ट्री ने बोला कि जो हम कई बार गाते हैं रामो रामो हरे, वो कहते हैं रामो नहीं होता है, रामा रामा है, रामा 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 हरे हरे, रामो रामो हरे हरे। तो इसको थोड़ा बदलने का प्रयास कीजिए, ये बंगाली लोग नेचुरली बोलते हैं, उनको नकल मत मारिए, क्योंकि हम बलराम प्रभु कहते बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, तो बोलो राम नहीं है, वो बलराम है, लेकिन बंगाली नेचुरली बोलो राम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो रामो बोलते हैं, तो हमें रामो नहीं बोलना है, उनके लिए तो भगवान अलाउ कर देंगे, हमें नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए राम 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 हरे हरे। वैसे ही जितना आप इसको क्लियरली बोल पाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और एक रिदम बनाइए, रिदम, एक रिदमेटिक है ये, रिदमेटिक, बिना रिदमेटिक से आप टाइम नहीं कर पकड़ पाओगे। जैसे कि आप गाना गाते हो, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग करी पिछले कुछ दिनों में उन्हें पता होगा कि अगर गाने में जरा सी भी ऊपर नीचे करी तो म्यूजिक कहीं और हम कहीं और। इसलिए जपा भी रिदमेटिक हो सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुझे कोई बता रहा था कि प्रभु जी मैं गा रही हूँ अब, तो तब जाके नेच कंट्रोल मारा, गाना पड़ रहा है मुझे, मतलब तो गाई गाने को ही तो कह रहे हैं, बिना आलाप के, लेकिन ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका प्रोनंसिएशन, हर वर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल, तो और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं कई बार अपने आप, उसको सुनिए।
तो प्रोनाउंसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेफुल मूड, जपा कोड्स इसीलिए डाले गए हैं. जपा टूल के अंदर मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था, आप शायद आपको एक्सपीरियंस हो गया है. तो जब आप बोलते हैं नेक्स्ट तो घबराइए मत. कई लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट उनको लग रहा है टाइम आगे जा रहा है ना, तो रिलैक्स. जब आपने नेक्स्ट दबा दिया तो टाइमर रुक गया है. आराम से अपना नीचे उसको खींचिए, काउंटर को, कोड को पढ़िए, कोड में क्या लिखा है, फिर कीजिए नेक्स्ट. आराम से, डोंट वरी, वो टाइमर रुक चुका है. ठीक है जी, तो कोड को पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारे अंदर प्रेफुल मूड लाता है. कई लोगों के लिए हमने ऊपर जपा का वो भी चला रखा है वीडियो, उसके अंदर भी कई लोग कह रहे हैं कि जब जपा का वो चल रहा है तो मेरा टाइम खत्म हो रहा है. वो बोल रहे हैं कई कोड, प्रभु जी आप 3-4 मिनट तक बोले ही जा रहे हो. तो मैंने उनको कहा कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप जपा करते रहिए और उनके शब्दों को ध्यान से मेडिटेट करिए. वो मेडिटेट ही कर रहे हैं आप जपा की क्वालिटी के ऊपर. कई लोग पॉज कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि पॉज करना इतना जरूरी नहीं है, आप पॉज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सुनते रहिए क्या बोला जा रहा है, हाँ, ताकि वो प्रेयरफुल मूड बना रहे आपका. और एक चीज और है प्रोनाउंसिएशन में, सॉरी, कई लोग इतना उत्साह है उनके अंदर कि सामने वाले को अपने कानों में रुइयां ठूसनी पड़ती हैं. तो ऐसा जपा मत कीजिए प्लीज कि सामने वाले को रुई ठूसनी पड़े. हैं, आपका उत्साह जो है, अब क्या करें, आपकी थोड़ा सा आवाज ऐसी ना हो कि सबको मत सुनाइए आपका जपा, खुद को सुनाइए बस, और किसी को मत सुनाइए अपना जपा. ठीक है जी, ताकि सब अपना अपना जपा सुन पाएं. और प्रेयरफुल मूड के लिए पंच तत्वों से वगैरह जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं राधा रानी से, कृष्ण से, वैष्णव अपराध के लिए, सेवा के लिए, वो करते रहिए. उसके बाद प्लानिंग था, तो प्लानिंग के लिए हमने बताया रात एक दिन पहले रात को कम खाना, कम से कम खाना. डिनर तो आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ा खतरनाक चीज़ है. हाँ, सूर्यास्त के बाद खाने को कितना लिमिट कर पाएँ वो हमारी हेल्थ को अच्छा बढ़ाएगा. उसके बाद में उसका सोने का स्लीप हमने डिस्कस किया, साउंड स्लीप जितनी आएगी अगले दिन मॉर्निंग में आपको जपा करते हुए नींद नहीं आएगी, नहीं तो झपकियाँ आती रहेंगी. इसलिए नींद बड़ी ज़रूरी है, समझ में आ रहा है. जब हम आपको सुला देते हैं हमारे बच्चों को तो भी खुसर फुसर, अगर कोई बड़ा ना करें तो सोते नहीं हो तुम लोग. सोचिए इसके बारे में, समय पर और क्वालिटी स्लीप हेल्थ के लिए और आपकी साधना के लिए बड़ा ज़रूरी है. इसलिए रात को कोई भी ऐसा डिस्कशन मत शुरू करिए अपने पति के साथ, क्योंकि अब पति ऑफिस से आता है, आपकी भड़ास या जो भी है तभी निकलती है. उसके बाद रात को जो होता है वो क्या होगा, उसके बाद जो सोना था 9 बजे वो 10-11 बज जाएंगे, नींद आएगी नहीं, दिमाग हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका होगा, तो अगले दिन क्या होगा फिर. तो ज़रूरी है कि रात को ही सारी चीज़ सेटल करनी है. मत कीजिए डिस्कशन कुछ भी नया डिस्कशन. कोई सॉल्यूशन निकला है इन प्रॉब्लम्स का आज तक, तो फिर आप निकल जाएगा, तो रहने दीजिए उसको. कम से कम रात को डिस्कस मत कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए. ठीक है जी, और अपना कंप्यूटर मत देखिए, मोबाइल मत देखिए, कोई व्हाट्सएप स्टेटस मत देखिए, दिमाग को चलने मत दो, दिमाग को शट डाउन होने दो. बेस्ट तरीका है कृष्णा बुक लो, भगवान की कोई लीला पढ़ो, फिलोसॉफी भी नहीं पढ़नी चाहिए. आप फिलोसॉफी पढ़ोगे तो दिमाग चलेगा, लीला पढ़ो दिमाग शांत होगा. इसलिए प्रभुपाद कृष्णा बुक के लिए कहते थे. कई लोग गुरु तत्व पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन पढ़ते हैं रात को, अब वो तो दिमाग को इधर खड़ा कर देगा एकदम से, गुरुमुख पद्म वाक्य ये और वो, ऐसी कथाएं पढ़िए जो दिमाग को शांत करे. पूरे दिन फिलोसफी के लिए है. ठीक है जी, तो ये था प्लानिंग फॉर जपा. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अनलिमिटेड प्लानिंग करी जा सकती है. आपको सोचना है अगले दिन मॉर्निंग में आपको जैसे जपा के लिए वो बिठाना है, क्या कहते हैं, जपा की सीट देखनी है, या मॉर्निंग में आपको 15 मिनट लगे जपा की थैली ढूंढने में, क्योंकि वो एक दिन पहले कब खत्म हुई, किसी तरह से ख़त्म हो गया, हम कहीं उसको रख ही देते हैं कहीं पर, तो फिर अगले दिन उसको ढूंढते रहते हैं. तो ये सारे काम कर सकते हैं ना हम रात को ही. जपा की थैली अपनी जगह पे रख दीजिए, सीट वेट लगा दीजिए, जो भी करना है रात को कर लीजिए, सवेरे का साइन ताकि कम से कम लगे. उसके बाद है आखिरी हमारा अटेंटिव हियरिंग, कि जपा को सुनना बड़ा ज़रूरी है. ये हमने 5वां पिलर बनाया था, सब कुछ कर दिया लेकिन जपा नहीं सुना. हाँ, तो सुनना बड़ा ज़रूरी है कि मैं बोल क्या रहा हूँ. ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, और प्रभुपाद ने इसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बोला था कि सुनिए आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि कानों के माध्यम से भगवान, इसलिए मैंने कोट बोला है, हे कृष्ण कानों के माध्यम से मेरे अंदर जाइए और मुझे शुद्ध कर दीजिए.
तो सुनिए कृष्ण कानों के थ्रू जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कानों के तरह जाने चाहिए। ये हो गया पांचवा पिलर। जब ये करेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा, जो आपने बोला था शुरू में ही, कॉन्शियसनेस बूस्ट होगा, पूरे दिन फोकस रहेगा, उत्साहित रहेंगे, रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, सब चीज़ें टाइम पर होंगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एनर्जेटिक फील करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे फायदे होंगे और गुरु परंपरा प्रसन्न होगी। समझ में आया? कोई प्रश्न है आप लोगों का?